नमस्कार, मैं हूँ छोटू बाबू छपरा वाले और आप लोग देखना शुरू कर दिए हैं भोजपुरिया टनाटन। दोस्तों आज हमारे साथ है भोजपुरी के ऐसी शख्सियत कि मेरे पास शब्द नहीं है। इनका मैंने दो सिनेमा देखा, एक तो तू 16 बरस की है, मैं 17 बरस का, और दूसरा एक आपने देखा होगा छोटा सा ट्रेलर लॉन्च हुआ था, बहुत वायरल हुआ था, एक गाड़ी में खूबसूरत हसीना के साथ एक काले कुलेटे लड़के को रियल लाइफ में बहुत गोरे आप चेहरे पे देख लीजिए, हमारे सुमित भाई। सुमित भैया का हलवा जी एकदम ठीक है। सबसे पहले भोजपुरिया टनाटन के जितने भी श्रोता हैं सबको मेरे तरफ से प्रणाम। और अभी तो हम लोग ठीक हैं, आप भी ठीक हैं, बताइए अभी। सुमित भैया, इतना कम समय में इतना बढ़िया सोच के फिल्म निकालो, सबके बस के बात नहीं है। सोच हमारा नहीं है, सोच आशुतोष भैया का था। हम लोग 16 बरस 17 बरस किए, उसके बाद उनके सोच में आया कि काला लड़का चाहिए इसमें, तो हमको सोलो बोले कि ऐसे एक फिल्म कर रहे हैं जिसमें काला बनना है। हमको भी लगा कुछ डिफरेंट है, हो सकता है सक्सेस हो जाए, और माता रानी की कृपा से लोगों को बहुत अच्छा लगा। टीवी पर डे आता है, हर रोज एक बार वो फिल्म आती है, कभी कभी एक आध दिन गैप हो जाता होगा, लेकिन मेरे ख्याल से मैं जब टीवी ऑन करता हूँ डे नाइट में कभी ना कभी एक बार वो फिल्म आ जाती है। खबर ऐसा है कि टीआरपी में भी नंबर वन रैंक में, हाँ अभी फिल्मची पे तो टॉप पे है अभी। हाँ टॉप में। अच्छा सुमित भैया, तनिक पीछे चल जाओ, कैरियर के शुरुआत कैसे भइल? कैरियर अब मुजफ्फरपुर में आराम से पढ़ाई चल रहा था, वहां से हम भाग के आ गए मुंबई, गाना लिखना चालू किए। पहला फिल्म दुलारा में गाना लिखे 2015 में। अच्छा 2016 में गाना लिखे मोकामा 0 किलोमीटर में। 2017 में गाना लिखे सत्या में। हाँ, तो उसका गाना सुपर हिट हुआ। कौन सा गाना? राते दिया बुता के पिया क्या क्या। और इसे ना थोड़ा सुर में दर्शक लोग सुनने में खबर ये होती है गायकार है। हाँ गा लेते हैं सुर में। जब मैं आई सुहाग वाली रात रे, उसने चुमा से किया सुरात रे, अब पहले घूंघटा उठाया फिर बेड पे सुलाया और कमर में दर्द दिया, तारत दिया बुता के पिया क्या क्या किया। किकरा साथ ही घटना, मतलब रोज साथ ही घटना भई रहे का कि भाई कोई एकदम ये सब सोच है। हम कैसे माने अंदरों से कुछ अंदर से सोच है। देखिए अब क्या है, आज के जमाना है, आज के टाइम में 12 साल के लड़के को भी पता रहता है कि होना क्या है। अच्छा, तो बस उसी चीज को हमने उतार दिया। ओकरा बाद आगे करियर माने कैसे आगे? फिर धीरे धीरे 4-5 गाने लगातार हिट होते गए, पांडे जी का बेटा हूँ, या पलंगिया सोने न दिया, या भतार को भी भूल जाओगी, ए सोना जुदा नहीं होना, बैक टू बैक लगातार हर बड़ी बड़ी पिक्चरों में मेरा गाना आने लगा। चाहे जो भी स्टार हो, कोई भी फिल्म रिलीज हो, गीतकार सुमित सिंह चंद्रवंशी। अच्छा एक वो हमारा अलग से तनी सवाल बा, बहुत सारे लोग गायक से हीरो बन रहा, रोगा शायद राइटर से हीरो बन रहा, हमारी जानकारी सही बा, वो कैसे ख्याल है? ख्याल क्या मतलब, हम राइटर से हम पहले सिंगर ही बने पहले। अच्छा राइटर बनने के बाद मैं सिंगर बना, माने फिर सिंगर के बाद मैं एक्टर बना। कहे के साथ सब राइटर से सिंगर तो केहू गा लेवेला, माने इंडस्ट्री के लोग इकलौता ऐसा सदस्य बनी जे हाँ राइटर के बाद एज द हीरो और इतना धमाकेदार। हाँ, और एस्टेब्लिश्ड धीरे धीरे हो रहा है, ये लोगों का प्यार है, और मेरे ख्याल से ऐसा पहला ही हूँ मैं अपने इंडस्ट्री में कि लोगों का प्यार मिलना बहुत बड़ी बात होती है, कि हम जो कदम को आगे बढ़ाएं और उस पे हमको सफलता मिले, इसमें थोड़ा सा है लोगों का सपोर्ट है, ऊपर वाला का हो सकता है कुछ अलग प्यार होगा। बिल्कुल सुमित भी अभी दू गो तो हम देख रहे मैंने सिनेमा, और अभी काका प्रोजेक्ट हुआ, आगे तो 7-8 फिल्में है। नाम शुभ समाचार अभी ट्रेलर 2-3 दिन में आ जाएगा SRK कंपनी से, और उसके बाद दुल्हन लाइफ कश्मीर से। इहो शूटिंग के चर्चा हो जोर से। हाँ फिर मुक्कू मामा, केयर ऑफ राजकुमार आर पांडे, तुम कब आओगे, आगे भी हम कई सारी फिल्में, बधाई हो बधाई, और सब शूटिंग अभी कई सारे फिल्में लाइन अप है, नगद नारायण, मैंने लमसम 10 फिल्में आगे भी साइन है बड़े बड़े डायरेक्टर के साथ, वो सब जिक्र होता रहेगा जब फिल्म। अच्छा सुमित भैया, आदमी जब जोना चीज में कदम रखेला, जैसे भोजपुरी में कोई गायकार से जे हीरो बनला, वो गायकी नहीं के छोड़त, कहीं ऐसा तो नहीं लिखिंग छोड़ के सिनेमा लाइन में पूरा तरह से उतर जाएगी? ना ना, राइटिंग तो चल रहा है अभी भी, अभी भी जितनी भी बड़ी पिक्चर रिलीज हो रही है सब में मेरा गाना है।
और अभी भी गीतकारी को रोकना नहीं है, लेकिन टाइम का अभाव होने से हम गीतकारी को, क्योंकि अपनी फिल्म में भी खुद लिखना पड़ता है, फिर कुछ कुछ गाना अपनी फिल्म में भी बाहर से लिखवाते हैं जो एस्टेब्लिश्ड जो अलग जॉनर के राइटर हैं, लेकिन अपनी फिल्म में भी खासकर गाने पर हमको ध्यान रहता है, फिर अपना एल्बम भी हर कंपनी से आता ही रहता है, जितना भी ज्यादा से ज्यादा हो गाना आता है, तो टाइम का अभाव के वजह से हम थोड़ा कम लिख पा रहे हैं, क्योंकि दिमाग है, टाइम 24 घंटा का ही होगा, उस 24 घंटा में ही हमको गाना भी लिखना है, एक्टिंग भी करना है, गाना भी गाना है, वीडियो भी बनाना है, रिलीज भी होगा, चीजें होगा, मैनेज करना थोड़ा हार्ड वर्क होता है, और गाना लिखना एक सोच है, जब तक माइंड फ्री नहीं रहेगा तब तक हम बहुत बढ़िया चीजें नहीं कर सकते हैं, तो बढ़िया करने के लिए हम वक्त लेते हैं, कम लिखते हैं लेकिन लिख रहे हैं अभी। मैंने कहे के मतलब बाकी जिकरा मन में ये सोच बा कि मैंने गायकार ही हीरो बन सकेला, ओकरा के सुमित भाई एकदम पूरी तरह से कटआउट कर दे, आज के डेट निकाल के टाइम निकले पता नहीं इंटरव्यू कैसे देता है, ये तो बात की बात है। सुमित भी अब मेन मुद्दा पे हो जाओ, है पीछे ग्रीन पर्दा बा, आ पिछला हाली ग्रीन पर्दा पे राउट धमाल लोग भई रहे, इतना जबरदस्त राउट टोपी पहने वाला, हम कोशिश करें कि फोटो दर्शक लोग के दिखा दी। अब किस साल का प्रोग्राम बा ग्रीन अवार्ड में ना जी? अभी पहले हम लोग गाना तो इतना बढ़िया बढ़िया सेलेक्ट किए हैं, कई सारी कंपनी का भी है, अपना ऑफिशियल है चंद्रवंशी एंटरटेनमेंट, उसका भी गाना यूज करेंगे, तो जब पहले हम लोग गाना सेलेक्ट कर ले, चीजें ओके हो जाए कि, और 21 तारीख से रिहर्सल है, परसों से रिहर्सल है, तो रिहर्सल के बाद डिसीजन लेंगे कि कौन गाना करना चाहिए और कौन गाना नहीं करना चाहिए। मैंने जे चाहे वाला बात है, देखा थी इंटरव्यू के, मैंने सुमित सिंह चंद्रवर्षी के धमाका हुई एकदम। अच्छा, ईगो हमारा तरफ से कोशिश इतना रहता है कि मैं जितना मैं हूँ, मुझे जितना आता है, मैं वो 100% दूं, या किसी भी मामले में अवार्ड शो हो तब, एक्टिंग करना हो तब, गीत लिखना हो तब, गाना गाना हो तब, अब अगर उससे ऊपर मैं नहीं है तो समझिए कि मुझे उतना ही आता है, उतना ही आता है, तभी मैं उससे ऊपर नहीं कर पाया। अच्छा, एक बार और सवाल बा, जैसे कहे के मतलब कि लोग के नाम है दिनेश लाल निरहुआ, खेसारी लाल यादव, सही पवन सिंह जो भी स्टार, सुमित सिंह चंद्रवंशी, चंद्रवंशी कैसे जुड़ल? ये हम लोगों का खानदानी है। अच्छा, खानदानी है। हाँ, जैसे दिनेश जी के ना आगे लाल लगा, वही सही है? नहीं नहीं नहीं, उनके लाल शायद पता नहीं, वो लोग लगाए होंगे चार पुष्प के ऊपर। हाँ, लाल को इनके पिताजी नहीं, नहीं, लाल उनके पिताजी नहीं, पिताजी के पिताजी के शायद विजय लाल भैया के नाम से आया है, प्यारे लाल ये लोग कवि जी, कवि जी के नाम से, तो ऐसा नहीं है, मेरे खानदानी है, मतलब पापा के भी नाम में, मम्मी दादा के भी नाम में चीजें चलते हुए आ रहा है, और चंद्रवंशी जैसे सूर्यवंशी एक कास्ट है, हम लोग का चंद्रवंशी टाइटल ही है, टाइटल ही चंद्रवंशी है। अच्छा, मुजफ्फरपुर जैसे सिटी से आके अब बॉम्बे में अपने आप के इतना एस्टेब्लिश कर लिया, इतना टाइम नहीं किया, और अलग हटके फिल्म कई, ये भी बड़े बड़े स्टार लोग के हम देख ले बने की एक एक लाइन पे बहुत चलता, वो एगो हीरोइन दूगो हीरोइन गुंडा के मारल काम करता, रोहुआ एगो समाज में मैसेज दे रहे हैं, जाते जाते दर्शक लोग से अलग तरह के काम मैसेज कर रहे हैं, केहू के स्टाइल में ना, सुमित सिंह चंद्रवंशी के स्टाइल में। देखिए, हम तो जैसे हम छोटा छोटा यूट्यूब भी देखते रहते हैं, जो छोटा छोटा कंटेंट डालता है, तो उसमें कोई स्टार नहीं होता, नहीं होता है। उस यूट्यूब के वीडियो में कोई स्टार नहीं होता, लेकिन वो वीडियो वायरल होता है। तो अपना भी ये टारगेट रहता है कि मैं कुछ ऐसा करूं जो बड़े पर्दे पे वो चीजें दिखे, छोटी छोटी चीजों को हम बड़े पे दिखाए, काला लड़की लड़का काली गोरी लड़की, ये नॉर्मल हमारे गांव में होता है, होता है, होता है कि एक शादी करना है तो सरकारी नौकरी जिसके पास है कर दो, हाँ, क्योंकि एस्टेब्लिश्ड रहता है लड़का। हाँ, हाँ। ऐसा नहीं कि वो सरकारी नौकरी के पीछे ही भागता है, वो एस्टेब्लिश्ड लड़का के पीछे भागता है, अगर लड़का बिजनेसमैन है तो भी करेगा, वो काला रहे गोरा रहे, लेकिन एक सरकारी नौकरी एक लोगो है। हाँ, अपने परिवार के लिए, तो हम लोगों ने उस कॉन्सेप्ट पे चीजें कहा, तो कभी भी अगर हम पब्लिक से जुड़ा हुआ चीजें को हम पब्लिक में लाएंगे, तो हमेशा पसंद आएगा। तो अभी जितनी भी फिल्में मेरा आएगी, जैसे शुभ समाचार आएगी, उसका एकदम डिफरेंट कहानी, जाहिर सी बात है, पोस्टर में आप देखे होंगे कि पेट निकला हुआ और हीरो माथे पे हाथ रख के परेशान है कि पेट कैसे निकल गया, तो
मतलब अब तक जो रहा है अब केयर ऑफ राजकुमार आर पांडे, इस पिक्चर को आप देखेंगे तो मैं मेरी गारंटी है कि आप 25 बार देखेंगे, बिल्कुल देखेंगे हमें, क्योंकि क्योंकि वो कॉन्सेप्ट ही ऐसा कोई नहीं बनाया होगा आज तक भोजपुरी में, वो हिट हो या फ्लॉप हो मतलब नहीं रखता, मतलब ये रखता है कि मैं नया क्या कर रहा हूँ, बस यही। जिकरा मन में कोई सवाल हुई तो सुमित भाई खातिर डाली, 27 तारीख के धमाका हुई मुंबई के सिनेमा अवार्ड में, और कुछ अपना अंदाज में दर्शक लोग से जाचे थे कहाँ के विदाई ली। मैं बोलूंगा कि जिनको जो मन में आए वो करना चाहिए, चाहे लोग लाख आपको मना करे एकदम नहीं रुकिए, अपने हौसले को बुलंद रख के काम करते रहिए। धन्यवाद सर आपका। दोस्तों अगर आपके जहन में कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में जरूर डालें, मैं सुमित भैया से दोबारा संपर्क करने की कोशिश करूंगा। धन्यवाद।